Hi friends, welcome to my YouTube channel Deepa and Lalwani and welcome to my mom's kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं इडली सांभर. इडली सांभर बनाने के लिए हमने सामग्री ले ली है और सबसे पहले हम शुरू करते हैं दाल से. सबसे पहले हमने तुवेर दाल ले ली 2 कप और उसको अच्छे से पानी से धो के उसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया. फिर आते हैं इडली के लिए बेटर. हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली. तो सूजी की इडली बनाने के लिए हमने ले ली 500 ग्राम सूजी, 250 ग्राम दही, 1 बड़ा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी लेके हमने सूजी का बैटर बना लिया और उसको 2 घंटे के लिए रख दिया. और मसालों में हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 8 से 10 कोकम के फूल या आप इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं. फिर 1 बड़ा चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच हींग, 1 चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच राई मस्टर्ड सीड्स. और साथ में सब्जियों में हम ले लेंगे 4 टमाटर, 1 प्याज, 5 हरी मिर्चें, 50 ग्राम धनिया, 15 से 20 कड़ी पत्ते और हमें 2 छोटे चम्मच इनो चाहिए होगा तो वो हमने ले लिया. और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें. तो चलिए बनाते हैं इडली सांभर. आ गए हम अपने किचन की तरफ. तो सबसे पहले हम बनाने रखेंगे सांभर. सांभर बनाने के लिए हम तुवेर दाल को बॉईल कर देंगे कुकर में डाल के. और उसके साथ हम टमाटर भी डाल देंगे. तुवेर दाल में टमाटर भी डाल देंगे. दाल को उबालने के लिए हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे. कुकर को गैस पे रख देंगे. एक तरफ सांभर के लिए कुकर को गैस पे रख दिया, दूसरी तरफ इडली बनाने के लिए इडली कुकर को गैस पे रख देंगे. उसमें हम 1 ग्लास पानी डाल देंगे और स्टीम बनने के लिए उसको ढक के रख देंगे. तब तक हम इडली का बैटर देख लेते हैं. इडली का बैटर हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए. अब हम आधा बैटर अलग से बाउल में निकालेंगे. और इसमें 1 पाउच इनो या तो 1 चम्मच इनो डाल देंगे. और मिक्स कर देंगे. अब हम इडली के सांचे में तेल लगा देंगे. और इडली का बैटर फिल कर देंगे. और इसे कुकर में डाल देंगे. इसी तरह दूसरा सांचा भी बना लेंगे.
अब इस कुकर को 15 मिनट ढक के रख देंगे। 4 सीटी लग गई है, कुकर को बंद कर देते हैं। और इस तरफ इडलियां भी बन रही हैं। दाल के कुकर की गैस बंद कर दी है और इस तरफ इडली के कुकर की गैस को स्लो कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब 10 मिनट और रखेंगे। देख लेते हैं इडली बनी कि नहीं बनी। इडली बहुत फूली फूली बनी है, अब इसको चेक कर लेते हैं। नाइफ क्लीन आया है तो इडली बन गई है। अब इसको बंद करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। इडली कुकर की गैस बंद करके 5 मिनट के लिए रख देंगे, जैसे इडली इजीली बाहर निकल आए। दाल बन गई है, दाल को हमने मैश कर लिया है। अब इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल लेंगे। अब दाल में तड़का लगाने के लिए हम तड़का बना रहे हैं। तड़के के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के लिए वेट कर रहे हैं। तेल गरम कर रहे हैं। अब इसमें हम राई डालेंगे। राई में से आवाज आएगी, जब वो बंद हो जाए तो ढक्कन खोल लेंगे। आवाज आनी बंद हो गई है, गैस को स्लो कर देंगे और ढक्कन हटा देंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। हींग डाल देंगे। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। हमने प्याज को लंबा लंबा और पतला पतला काट लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज पक रहा है, अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और कड़ी पत्ते के 15-20 पत्तियां डाल देंगे। दूसरी तरफ हम दाल को उबालने के लिए रख देंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। गैस की आंच को हमने धीमा किया हुआ है, जैसे मसाले जल ना जाए। बस 2 मिनट ही हम इसे पकाएंगे, 2 सेकंड। अब हम इसे दाल में डाल देंगे। दाल के उबलने का वेट कर रहे हैं। लो, दाल में नमक डाल देंगे। दाल में कुकम के फूल डाल देंगे, धनिया डाल देंगे। और दाल को उबलने रख देंगे। जैसे ही दाल उबलती है हम उसमें सांबर मसाला डाल देंगे। सांबर उबल रही है, अब इसमें हम सांबर मसाला डाल देंगे।
मार्केट में ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और दाल को थोड़ी देर उबलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हम इडलियों को इडली कुकर से निकाल रहे हैं, इडली कुकर में से इडली को निकाल रहे हैं। एक चम्मच से हम इडली निकाल देंगे। ऐसे करके हम एक एक इडली निकाल देंगे। दूसरी इडलियों को भी निकाल देते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है इडली, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सांभर भी यहाँ पे रेडी है, इडली भी रेडी है, चलिए इसे सर्व करते हैं। इडली सांभर बनके रेडी है, आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ही स्पॉन्जी इडली बनी है और टेस्टी सांभर बनी है, आपको भी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, और हमें बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।